दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों को आज एक बहुत ही स्पेशल बात बताने जा रही हूँ, जो आप लोग ध्यान से सुने। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा करें, जिससे हम कुछ न कुछ आप लोगों के लिए जानकारी बताती रहती हूँ। तो आज मैं आप लोग देख रहे हैं कितने खूबसूरत हमारे ये मैरीगोल्ड मतलब गेंदा के फ्लावर खिले हैं, रंग बिरंगे। और इसमें आप अलग अलग टाइप के देख रहे होंगे फ्लावर, कि कोई येलो है और ये देखिए मस्टर्ड येलो है, थोड़ा सा घना वाला है जो हजारा इसको बोलते हैं, और कोई कोई जैसे इस टाइप से है। तो आप मैं आप लोगों को बताती हूँ ये ऐसा क्यों है। तो बड़े बड़े से गमले हैं हमारे, 15-15 इंच के एक जैसे गमले हैं। एक जैसे दो गमले मैंने लिए थे, ये तो हमारा छोटे से गमले में लगा है येलो, जो बहुत खूबसूरत हमारा पीले कलर का फ्लावर है गेंदे का हजारा, बहुत सुंदर फ्लावरिंग आजकल कर रहे हैं गेंदे। तो ये जो दो हमारे दो गमले हैं आप देख रहे होंगे, बड़े बड़े से हैं। तो इन बड़े बड़े गमलों में हम कितनी फ्लावरिंग पा सकते हैं गेंदे की, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप प्लांट लगाएं, कैसी सॉइल बनाएं। तो जैसे आपको दिख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर से फ्लावर इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर गमले में लगे हैं। ज़मीन में तो बहुत सारे फ्लावर खिल सकते हैं, लेकिन गमले में अगर जो हम सही से उगाते हैं प्लांट फ्लावर के, तो 100% रिजल्ट जब हमें मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। तो 15-15 इंच के जो गमले हैं, तो मैंने इनमें मिट्टी आधे से ज़्यादा भर के तीन प्लांट, इसमें भी तीन प्लांट और इस वाले गमले में भी तीन प्लांट लगाए थे। इसीलिए आपको लग रहे होंगे अलग डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं। ये देखिए जो एक प्लांट मैंने लगाया था, क्योंकि छोटी छोटी सी बेड लगाई थी, छोटी सी बेड में पता नहीं चलता है किस टाइप के फ्लावर। तो देखिए ये वाले इस टाइप से फ्लावर हैं, जो ऊपर से उठी हुई उसकी बड है, नीचे से पत्तियाँ निकली हैं बढ़िया सी कलियाँ, और ये देखिए कितना घना है हजारा टाइप का, और ये भी हजारा है। तो तीन टाइप के इसमें मैंने प्लांट लगाए थे और तीन इसमें लगाए थे। इसी में देखिए ये जो फ्लावर आपको दिख रहा होगा बहुत घना वाला है, और ये फ्लावर अलग कलर है, दोनों के कलर अलग अलग हैं, और ये वाला फ्लावर जो आप जैसे इसमें लगा हुआ है। अच्छा, तो तीन प्लांट इसमें लगाए थे तीन। तो अब फ्लावरिंग जब लगातार फ्लावरिंग कर रहे हैं, तो बहुत घने घने से आपके दिल लग रहे होंगे कि बहुत घने घने से फ्लावर खिल रहे हैं। और यही खूबसूरती हमारे जब गमले में एक बड़े गमले में ज़्यादा प्लांट लगा देते हैं, तो बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग करते। अगर जी हमारा गमला 15 इंच का है, हम इसमें एक प्लांट लगाते तो शायद इतने ज़्यादा फ्लावर इसमें ना दिखते। और बड़े गमले में हम फ़ायदा उठा लेते हैं, बड़े गमले में ज़्यादा प्लांट, जैसे गुलाब का प्लांट है, गुलाब का प्लांट तो एक परमानेंट का प्लांट होता है, तो हम एक ही प्लांट बड़े गमले में लगा सकते हैं। और सीजनल प्लांट जो होते हैं, जैसे गेंदे के हैं, गुलदावती के हैं, दहलिया है, तो बड़ा प्लांट जो हमारा बड़ा गमला होता है, उसमें दो प्लांट हम दहलिया का दो और बाकी गुलदावती है और ये गेंदा है, इसमें हम ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं, तीन चार इस टाइप से लगा सकते हैं, जिससे हमको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गुलदस्ता बना रखा हुआ है। और बीच बीच जब हम प्लांट लगाते हैं, तो जब छोटा सा एक वित्त का एक प्लांट हो जाता है, तो उसको हम पिंच कर देते हैं, उसके बाद और बढ़ता है तो पिंच करते हैं, लगातार पिंचिंग से ये देखिए चारों तरफ इतने ज़्यादा फ्लावर बर्ड्स लगी हैं। तो लगातार, और इनमें एक खास बात होती है कि ये जो फ्लावर्स खिल जाते हैं, एक बार खिलने में तो बहुत समय लेते हैं, और खिलने के बाद में एक महीने से ज़्यादा ही ज़्यादा लगे रहते हैं। उसके बाद में पत्तियां काली थोड़ी थोड़ी सी किनारे से, मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारे पास प्लांट गेंदे का लगे हैं। तो देखिए मैंने इसमें डिब्बे में एक छोटा डिब्बा था, इसलिए मैंने लगा लिया था। और देखिए जब ये ख़राब होते हैं तो कुछ इस टाइप से होने लगते हैं, तब इनको हमें तोड़ देने चाहिए। जब तोड़ देते हैं तब दूसरे और जो बर्ड्स लगी हैं वो खिलने लगती हैं। अगर जो हम नहीं तोड़ेंगे तो ये पौधा, ये जो हमारा फ्लावर है, ये एनर्जी देता रहेगा लेकिन खूबसूरती इसकी चली जाती है। तो इस तरीके से जब हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसको उसके फ्लावर खिल जाए तो हम उनको तोड़ देना चाहिए। तो अभी तो इसमें फ्लावरिंग हुई है, और बिल्कुल 100% अभी हो नहीं पाई क्योंकि ये बर्ड्स खिल रहे हैं, और ये कम से कम जनवरी लास्ट चल रही, ये फरवरी लास्ट तक इसमें फ्लावर लगातार खिला रहेगा। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि इसमें ज़्यादा पानी ना भरें, अगर जो आप ज़्यादा पानी भर देंगे तो पत्तियों में लाइन से सफ़ेद सफ़ेद बन जाती है, जो कीड़ा आपको दिखेगा नहीं, वो कीड़ा पत्तियों के अंदर से चलता रहता है, और आपके इसमें फंगस लग जाता है पत्तियों में, और आपके प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। जब बिल्कुल ड्राई मिट्टी हो जाए, बिल्कुल सूखी मिट्टी हो जाए, जैसे इसमें इस गमले में आपको दिख रही बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है, और जब फ्लावर खिला होता है तो बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। अब देखिए मैं ऊपर से भुरभुरी, देखिए नीचे से गीली गीली, जब हम लोग
चेक नहीं करते हैं तब हम पानी भर देते हैं। इसीलिए हमारे गेंदे के प्लांट ज़्यादातर मैंने देखा है, कमेंट भी आए हैं कि गेंदे के फ्लावर खिलने के बाद में काला काला होकर ख़राब होकर गिर जाता है, तो बस यही कारण होता है। आप झाँट डाल के चेक करके देखें कि भुरभुरी मिट्टी है, बिल्कुल नीचे उंगली डाल के देखें, अगर जो आपका थोड़ा सा गीला है तो आप बिल्कुल पानी ना दें, और जब पानी दे ऐसा ड्रेन होने होल होना चाहिए कि जैसे आप पानी दें पानी बिल्कुल नीचे चला जाए। जब पानी बिल्कुल नीचे चला जाता है तो हमारे गमले में रुकता नहीं और बहुत बढ़िया हमारा ड्रेन होल होता है, तब हमारे गमले में फ्लावरिंग बहुत खूबसूरत होती है। आप देख रहे होंगे हमारे गुलाब के प्लांट बड़े, गुलाब के फ्लावर जो खिले हैं बड़े सुंदर, इनमें मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि चाय की पत्ती इसमें मैंने भर दी थी। चाय की पत्ती की जो खाद होती है सबसे बेस्ट खाद होती है, बहुत ही खूबसूरत इसमें फ्लावर निकल है लगातार, देखिए कितनी बड्स हैं। और जो हमारा बड़ा वाला प्लांट है इसकी बड्स आप मैं दिखाती हूँ कितनी हेल्दी है, बहुत ही हेल्दी, और जब बड्स ही हेल्दी होंगी तो फ्लावर क्या, देखिए कितना सुंदर सा फ्लावर और टिकाऊ फ्लावर होता है। लगातार इसमें कितनी बड्स लगी हैं, बस चाय की पत्ती का कमाल है, सरसों की खली का फर्टिलाइजर और चाय की पत्ती, और लगातार फ्लावरिंग कर रहे हैं लगातार, बहुत खूबसूरत। जब हेल्दी बड्स होती हैं तो हेल्दी फ्लावर भी खिलते हैं, बहुत सुंदर फ्लावर खिल रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को मैं अपने वीडियो में बताती रहती हूँ कि जब भी कोई पौधा लगाएं, पौधा तो सभी लगाते हैं, उसकी केयर बहुत जरूरी होती है, उसकी उसको कैसे लगाएं, उसकी कैसे केयर करें, उसको कैसे देखभाल करें, और जब लगातार हम अपने पौधों को लगाते रहते तो उसके बारे में हमको जानकारी हो जाती है। तो उसके बाद में अब इसमें जैसे फ्लावर खिल रहा है तो इसमें खाद देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी खाद ना दें, क्योंकि जब आपने प्लांट लगाया है तो उसकी सॉइल मीडिया बढ़िया बनाई है, तो ये सीजनल प्लांट होते हैं, उसके बाद जब फ्लावरिंग हो जाए, जब सारे फ्लावर खिल के हट जाए, उसके बाद में गुड़ाई करने के बाद में आप इसमें DAP वगैरह दे सकती हैं या बर्मी कंपोस्ट दे सकती हैं, उसके बाद फिर से इसमें बड्स बनने लगेंगी। लगातार इसमें अप्रैल मई तक फ्लावर खिलते रहते हैं गेंदे में, उसके बाद अप्रैल मई के बाद में सीजन जो हमारा गर्मी का होता है उनके गेंदे आने लगते हैं, तो लगातार 12 महीने हमारे गार्डन में गेंदे के फ्लावर खिलते हैं। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को जानकारी दी, और आशा है आप लोगों को मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें और हमारे लिंक को शेयर करें और हमारे मोटिवेशन बढ़ाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि हमारे प्लांट आप लोगों को कैसे लगे, गेंदे के जो मैंने एक गमले में 3-3 प्लांट लगाए सक्सेसफुली रिजल्ट मिला है आप लोगों को, तो आशा है आप लोगों को वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। तो अपना वीडियो बंद करती हूँ, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।